हेलो दोस्तों, मैं हूं प्रभास और स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल ट्रैवल बाय प्रभास पर। दोस्तों, विमान के संचालन में जो सबसे ज़रूरी चीज़ है वह है विमानों की सुरक्षा। और यदि कोई विमान हादसा हो जाता है तो उसके बाद रेस्क्यू मिशन कैसे चलाया जाता है, इसकी भी तैयारियां होती रहनी चाहिए। दोस्तों, ऐसा ही एक बड़ा एक्शन हुआ है। आज से करीब 2 दिन पहले पटना एयरपोर्ट पे दोस्तों गुरुवार की रात को 10:30 बजे एकाएक पटना एयरपोर्ट के जितने भी इमरजेंसी सायरन थे वो बजने लगते हैं। और यहाँ पे पटना एयरपोर्ट पे अनाउंसमेंट की जाती है कि पटना एयरपोर्ट के रनवे पे एक विमान क्रैश हो गया है। और दोस्तों, जब ये विमान क्रैश हुआ तब जो इसकी सूचना है वो पटना के SSP DM जो तमाम उच्च अधिकारी थे पटना के सभी को दे दी गई। साथ ही साथ यहाँ पे एयरपोर्ट पे जो CISF के अधिकारी है उनको भी इसकी सूचना दी गई। दोस्तों, तत्काल 10 मिनट के अंदर में ही पटना एयरपोर्ट पे अग्निशमक दल यानी कि फायर ब्रिगेड की गाड़ियां, NDRF की एक टीम, डॉक्टरों की एक टीम, साथ ही साथ कई सारी एम्बुलेंसें पहुंच गई। इसी के साथ साथ करीब 4 थानों की पुलिस जो कि पटना पुलिस थी वो भी वहां पर पहुंच जाती है। पटना पुलिस के जितने भी उच्च अधिकारी थे वो भी वहां पर पहुंचते हैं। CISF के अधिकारी पहुंचते हैं रनवे पे। और दोस्तों, जब 10 मिनट के अंतराल पे सभी पहुंच जाते हैं तब यहाँ पे पटना एयरपोर्ट के प्रशासन के द्वारा बताया जाता है कि यह सिर्फ एक मॉक ड्रिल है। यहाँ पे यह जांचा जा रहा है कि यदि कभी भविष्य में कोई एक्सीडेंट होता है तो कैसे लोगों को बचाया जाए, कितनी कम समय में यहाँ पे प्रशासन के उच्च अधिकारी आ पाते हैं जो कि पूरी तरीके से सफल रहा है। दोस्तों, इस बारे में आपकी क्या राय है कॉमेंट करके जरूर बताएं। दोस्तों, इतना ही, मिलेंगे साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।